हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ सुबह के 8:15। आज मेरा और मम्मी का ना कहीं जाने का प्लान है। जय माता की। हमारे घर में दो दो जोत है, एक तो जो डेली जलाते हैं, एक अखंड जोत चल रही है। गाइस, इसको इतना समझ आ गया कि मेरे को शूज कहाँ उतारने हैं। ये देखो, ये है अपने नान के और इसको लेके जाएंगे हम अपने नान के। कैसे हो आप? छोड़ जाते हो घर पे, इतने छोड़ मेरे साथ। बस आज का दिन है, कल इसके मम्मी पापा को छुट्टी है, परसों स्कूल। बस आज लास्ट डे है नानी हाउस। नहीं, सुबह आता है, शाम को चला जाता है। शूज रिमूव कर लो बेटा, नहीं करने करो ना। आज मम्मी पैंट पा के आ गया। मैं शावर वगैरह लेके मैं मंदिर में आ गया भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए। और हमारे घर में ना आजकल अखंड ज्योति चल रही है। चले गए, आप लोगों को कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर अखंड ज्योति जल रही होती है ना तो लहसुन प्याज नहीं खाते। गलती होगी हमसे, हमें पता नहीं था इसके बारे में और आगे से हम नहीं खाएंगे। मम्मी बताया आपको? वैसे भी नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए, लेकिन अखंड ज्योति जला रहे होते हो तो हम नहीं खाते। कैसे कर दी आपने इतनी बड़ी गलती? गलती होगी, दिमाग से निकल जाए। चलो कोई बात नहीं गाइस, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर हम सीखते और सिखाते हैं, आगे को नहीं बनेगी। चलो उसके बाद हमें यहाँ कहीं जाना, क्योंकि मम्मी का कहीं मन किया वो घूमने के लिए, मैं लेके जाऊँगा उनको। चले गए, हम पहुंच चुके हैं मम्मी के मायके। एक्चुअली हमें आना था इस मंदिर में, और गाइस ये नीचे स्कूल। मम्मी हमारे यहाँ पे पढ़े हैं पहाड़ों में। यहाँ पे कहाँ तक पढ़े हो? यहाँ पे पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद रायपुर। क्या बात है गाइस, कितनी सुंदर सी जगह है। ये देखिए, ये गांव है छोटा सा प्रोइया, और ये शॉप्स हैं। आप प्लस टू तक हो गए, बढ़िया हो गया। पहले यहाँ होती थी बिल्डिंग। तेरे को पता है, तुम्हें आता था। तो गाइस ये मंदिर में ना रेनोवेशन का काम चला हुआ, पत्थर वगैरह लग रहा है अभी, यहाँ पे भी लगेगा। तो ये बाउंड्री वगैरह दे रहे हैं। तो ये स्कूल ना पहले यहाँ पे होता था, अब फिलहाल वो नया बन गया। बेटा गिरेगा, देखिए पानी उतर चुका है, नहीं तो पानी ना वो नीचे तक आ जाता था, अभी थोड़ा पीछे चला गया। ये बाखड़ा वाला पानी अच्छा लग रहा है। जब बचपन में हम आते होते थे ना तो यहाँ पे बैठते होते मंदिर में, तो तभी लेके यहाँ पे आ जाते थे पढ़ने के लिए। मेरे तो डर भी लग रहा है, जंगल है ना, गिर रहा है, बट मेरे बेट से नहीं आएगा एकदम से। ये देखिएगा इस, कितना डर लग रहा है। यहाँ चलते हैं, और ये वाले मामा जी पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं। हमें मना किया था कि ना जाओ, बट हम ठहरे पक्के टिकट। आपको मना भी किया था कि ना जाओ, एक मामा जी है नहीं वहाँ पे। फोन कर मामा जी, पानी लग जाएगी। चलो मैं पूछ लेता हूँ उनको। तो गाइस मामा जी के घर से तो आ गया है, तो मैंने गाड़ी को फिलहाल जहाँ पे लगाया है, मैं तो गाड़ी में निकलूँगा। अनवित को ट्रेन का ना जर्नी करवानी थी, और हम जब नानके से घर वापस जाते थे या वापस आते थे नानके के लिए, तो यहीं पर उतरते थे और वहाँ से बस मिलती थी हमें। और फिलहाल मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है, और ये है ओलिंडा बैरियर। और मम्मी काफ़ी टाइम बाद जा रहे होंगे आप भी, बट पहले पता कर लो ट्रेन यहीं पे रुकती है। अनवित को देखो कितनी एक्साइटमेंट है, अभी 4 बजे 4:20 पे आएगी, फिक्स टाइम है। क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, BBMB एम्प्लॉयज़ के लिए, BBMB मीन्स भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, है ना। फिर आप कहाँ उतरोगे? नैला? आप नंगल ही उतरो, है ना। सिड्डू मिलेगा रास्ते में, बाय बाय कर देना, करेगा ना। मेरे को लगता है कहीं और रुकती है ट्रेन, अब नहीं रुकती यहाँ पे, यहाँ पे नहीं रुक रही। आगे ना बन गया हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ ना, जहाँ पे नैले में उतरते थे ना हम, जब चढ़ते थे, अब वहाँ नहीं उतरती, आगे जाती है। हाँ नहीं तो साफ होता था ये। चलो है टाइम, पहले पूछ लेते हैं मम्मी कहाँ रुकती है ट्रेन ना, पूछ लेते हैं। ये तो शरारती नहीं करनी मम्मी के साथ वहाँ पे ना। हाँ यही है प्लेटफॉर्म, यहीं पे रुकेगी शायद। मैं आपको चढ़ा के जाऊँगा, क्योंकि बट मम्मी फ़ायदा हो गया प्लेटफॉर्म बनने का ना, अब ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके पाँव पहुँच जाएंगे वहाँ पे। पहले ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता था, स्टेप्स होते थे। मम्मी कितने टाइम बाद जा रहे हो आप? 5-6 साल हो गए ना, लॉकडाउन भी था। मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे ट्रेन की वेट करते रहे और ट्रेन रुके ना यहाँ पे, कहीं और से रुकती हो। हाँ फिर तो गाड़ी है ना, बट इसका तो रह ही जाएगा ना अरमान। रास्ते में ना सिड्डू मिलेगा, मैं भी पीछे पीछे हूँ, भाई करना उसको।
मामू एक दिन पता क्या होया? मम्मी वो भी देखता हूँ ट्रेन, कहना होना मैं भी जाना। मेरा मन ना किया, मैंने कहा इसको ट्रेन घुमाता हूँ, ऐसे कहाँ घूमेंगे, क्योंकि जब से गाड़ियों वाले हो गए ना, कितनी मेमोरीज ताजा हो जाती है। जब बचपन में हम नानके जाते थे ना, तो हमारी ट्रेन वहाँ पे रुकती थी, अभी तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन गया, और ऐसे वेट करते होते थे, और 4-4:30 बजे बस आती होती थी, 4 बजे ना इसका टाइमिंग है ना, 7 बजे नंगल से चलती है, फिर वापसी में ये जाती है 8:30 बजे, और शाम को 3 बजे उधर से आती है नंगल से, फिर वापसी में जाती है 4:30 बजे, 5 बजे नंगल पहुँचूंगी, मैं नंगल पहुँच जाऊँगा, पहले तो मैं ऐसे जाऊँगा आपके पीछे पीछे, फिर बाद में मैं बीच में शॉर्ट कट लेके आपको मिलता हूँ आगे। मैं ऐसे जाऊँगा आपके पीछे पीछे। मामू जी, एक दिन बता क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे ट्रेन उलट गई थी। तुम कब आए यहाँ पे? वैसे ही जूड़ी? नहीं, एक फोन से देखा गया, जगह बैठी उलट गई, जिसने फोन पे देखी ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ ऐसे ही है, सरकारी काम है, जल्दी बैठते हैं, जल्दी लगते हैं, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरों के काम ऐसे होते हैं, पैसा ज़्यादा काम कम। लेकिन इसमें भी होता है गाइस, पता क्या होता है, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो आगे से अपने अपने छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को देता रहता है, जैसे किसी ने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बड़ा सा, फिर उसके बाद छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, वो उससे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, वो उससे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को भी हो जाता है भाई गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया। 4 बज गए, लेकिन मम्मी सवारी कोई भी नहीं आई यहाँ पे, आएगी पक्का? नहीं आनी है, सॉरी। चलो गाड़ी तो है हमारे पास, ट्रेन तो देख ही लेंगे यहाँ पे बैठ के, है ना? घूमना है कि देखनी है? ट्रेन में घूमना है। गैस ये जो ट्रेन है ना, ये मैंने बताया कि BBMB के लिए है, ये वुडन की ट्रेन है, तो इसका पुराना इंजन है, लोको इंजन कह सकते हैं, डीजल इंजन है, और जब BBMB बाखड़ा कंस्ट्रक्ट हुआ था तब से ये ट्रेन आ रही है जा रही है एम्प्लॉयज़ को लेके, और साथ में जो पढ़ते गाँव हैं वो उन वहाँ के बच्चे भी इसमें ट्रैवल करते हैं। अभी तो देखो बस सर्विस, कार सर्विस, बाइक वगैरह हो गई, ट्रेन है ना फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, किसी तरह का कोई फेयर नहीं है इसमें, कितनी अच्छी बात है ना। आई थिंक तभी मैं बोल रहा था वर्ल्ड फ्री ट्रेन। ट्रेन में टिकट में पैसे लगेंगे? टिकट के पैसे ले लिए? टिकट के पैसे लगेंगे इसमें? पैसे कौन देगा? मैं तो गाड़ी में आऊँगा, नानी का पर्स ले जाऊँगा मैं। हम बचपन में ऐसे ही आते थे जैसे अनभी थे ना, ऐसे हम टाइम आ गया हम बैठते होते थे, है ना? जब आप छोटे थे ना, आज स्पेशली ना तेरे लिए ट्रेन के लिए रुके हैं, तू का तो देख लिया मैनू, और देख गप्पा गल्ला ना दादा, गपोड़ी बाबा, गपोड़ी बाबा। गाइस पॉपट हो गया, एक्चुअली ट्रेन में जाना था ना, ट्रेन मिली नहीं, ट्रेन बंद है 1 हफ्ते से, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है। मम्मी जिंदगी में पहली बार देखा, पहले तो कभी हुआ नहीं ना ऐसे, कभी नहीं ना हुआ। चले सवेरे आते थे 7 बजे, पता क्या है जब इसने हेलीकॉप्टर में घूमना था तब भी ऐसे हुआ था। चलो अब फिर लेके आएंगे इसको ना, कोई बात नहीं, ट्रेन आई नहीं, अब फिर आएंगे। अभी लोगों को पता था नहीं, तभी नहीं लोग आए थे, निकल गया वहां से, गाड़ी नहीं ना जाएगी मेरे ख्याल, और ये रोड होता था साथ में ट्रेन चलती होती थी बिल्कुल। हो अंबिका का मित्र ये ऊपर आ रहा है, डर गया, डर गया, क्या है? फिलहाल हम आ चुके हैं घर वापस, और कैसा रहा हमारा आज का डे? बहुत बढ़िया रहा, और गाइस हम सोच के कुछ और गए थे बट हुआ कुछ और फिलहाल अनभी चला गया है अपने घर, क्योंकि कल उसके मम्मी पापा को छुट्टी है, तो वो वहीं पर रहकर मंडे को स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, और मम्मी जी यहाँ पे मंदिर में फिर से बैठ के, कैसा लगा मम्मी जी आपको? अच्छा लगा ना घूम के? आज हम गए थे अपने नानके और मम्मी जी के मायके, मम्मी जी मिलाए मामा जी से और मामी जी से भी, और एक मामी जी हमें वहाँ पे नहीं मिले, वो गए हुए थे कोई फंक्शन था उनको, मामा जी मिल गए हमें, और दूसरे मामी जी थे, तो अच्छा लगा घूम के, और साथ ही साथ मम्मी को भागवत भी घुमाया। मम्मी देखा किस्मत में था हमारा वहाँ पे जाना, हमने सोचा भी नहीं था, और वो भी नवरात्रों में, अच्छा लगा गाइस। और मम्मी एक चीज़ और करनी है, हमने बोल भी दिया अपने सब्सक्राइब, हमारे गुस्सा भी हुए, गुस्सा तो नहीं हुए बट जो चीज़ गलत है गलत है, अवॉइड करो, है ना, अवॉइड करेंगे, कोई बात नहीं। एक्चुअली गाइस पता क्या, वैसे नवरात्रों में हम खा लेते हैं लहसुन प्याज अदरक, क्योंकि इनका हमारी लाइफ से कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, ये मीट मछली और शराब या फिर अंडा नहीं है, एक्चुअली एक क्या कह सकते हैं, वो तामसिक भोजन होता है, जो कि आप में गर्मी लाता है, गलत ख्याल लाता है, वैसे कोई लेना देना नहीं, वैसे ये वेजिटेबल है और कुछ नहीं है, बट क्या हुआ हमने मना इसलिए किया कि
हर घर में अपने अपने तरीके से बन जाती है, कुछ घरों में बनती है कुछ घरों में नहीं। लेकिन हमारी जो गलती मानने का रीज़न वो था कि हमने रखे हुए हैं अखंड ज्योति, तो अगर रखा है तो फिर हमें नहीं बनाना चाहिए, हमारी गलती है मानते हैं। और गाइस हम गए हुए थे आज मामा मामी के घर, और उसके बाद हमने सोचा कि ट्रेन में घूमेंगे, बट ट्रेन तो हमें मिली नहीं, वो बंद थी, हमने सोचा भी नहीं था। मैं बात ही कर रहा था कभी हुआ नहीं ऐसे, बट आज ही वहाँ पर मेरे को कोई नॉन मिल गए तो उन्होंने बोला कि आज नहीं, एक हफ्ते से नहीं आएगी क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह हो रखा है। तो हम परेशान हो गए क्योंकि हमें इतनी दिक्कत नहीं, मुझे इतनी दिक्कत नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के गया। स्पेशल दिक्कत क्या थी कि उस वहाँ से वापस आने में ना मेरे को एक डेढ़ घंटे का वेट करना पड़ेगा अगर बेबी के साथ जाऊँ, अनवित के साथ, उसको घुमाना भी चाहिए ना, ट्रेन का भी पता हो। लेकिन आज मम्मी से मैंने सोचा मम्मी को ट्रेन में बैठा के मैं ऐसे वापस आ जाऊँगा, बट हुआ क्या कि सारी गेम ख़राब होगी, ट्रेन आई नहीं, पोपट हो गया, मन उदास हुआ। मेरा नहीं हुआ, मम्मी का नहीं हुआ, लेकिन हमारा इसलिए हुआ कि अनवित का सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसको जो एक होप थी ना ट्रेन को देखने की, उसमें जूटा लेने की, वो टूट गई उसकी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ ना वहाँ पे, कहते हैं कि ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें होती है, आप जिन चीज़ों को चाहो वो आपको मिलती नहीं है, लेकिन उससे बेटर हो जाता है और तब आपको वो खुशी मिलती है ना कि आप पूछो मत। इसलिए ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं, ब्रेव बने रहना है, स्ट्रॉन्ग बने रहना है, और कुछ अच्छा ही होगा ज़िंदगी में। तो ऐसे ही अनवित के साथ कुछ ऐसे ही अच्छा हुआ, मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि कुछ पर्सनल है, और उसको ट्रेन से ज़्यादा बड़ी खुशी मिल गई और ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो और क्या चाहिए है ना। तो तभी कहते हैं कि ना ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच पहाड़ियाँ नाले आते हैं, तो घबराना नहीं, ब्रेव बने रहना है, बी ब्रेव स्ट्रॉन्ग, और अच्छा होता है, कुछ सोचा ही होता है भगवान ने। चलिए गाइस फिलहाल छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम अपनी माताजी को घुमाने लेके गए थे, बाहर की आउटिंग करवाने के लिए गए थे, अच्छा लगा। मम्मी का मन था मायके घूमने का और मेरा भी काफ़ी दिन से मन था मामा जी को मिलने का, हम मिल लिए। पहले हमें ऐसे लगा कि मामा जी है नहीं वहाँ पर, मिल लिए, मतलब मामा जी भी खुश हो गए, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद गए, और बस जब से मेरे ये सीन से हो गया है ना, मतलब कि ये मेरे जो कोर्ट कचहरी चला हुआ है, तो एक ना बंदा अपनी इन चीज़ों में होता है। मैं घर में रहता था तो ऐसे मम्मी ने भी थोड़ा कम कर दिया, मम्मी की हेल्थ भी थोड़ी ऐसे सैर वगैरह भी कर दी, आज मम्मी ने सैर भी नहीं किया। बस छोड़ो यार इन बातों को, सब जानते हो, ब्लॉग 9 बजे डाल दिया करो। तो आज इसलिए हमने जल्दी ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे, और आगे भी आपको इन फ्यूचर जल्दी ब्लॉग देने की कोशिश करेंगे। मैं रात को लेट, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरी माताएँ बहनें जो मेरे साथ सोशल मीडिया पर आज तक खड़ी हुई है और पहले भी खड़े हुए थे, और उन्होंने इतना साथ दिया और सपोर्ट करते हो, आगे भी करते रहोगे आप, बस शब्द नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं और कुछ नहीं। मेरा दिल करे भाई होना तो ना, मैं सब्जी बुआ रहे मैं नो चने इतने टेस्टी लगे। ले ले डब्बा लेके डोलू लेके जाना चाहिए था, मम्मी को भंडारे में लेके गए थे ना, मम्मी कह रहे कि चने डलवाने को मन कर रहा था। हाँ। आज आपकी सैर मिस होगी पता। चलो रात को कर लियो, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। पता क्या है मम्मी, हमारे जो हेटर्स है ना उनको मौका मिला कि आप इतनी पूजा पाठ करते हो, घर में तो लहसुन प्याज बनाते हो। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज मना नहीं किया, ये तो आमसिक भोजन होता है इसलिए, लेकिन हाँ अखंड ज्योति की रखी है तो हम नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर हम नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे। ये मैं आपका माइक अपने पास रखा हुआ है ताकि आवाज आपकी क्लियर सुन जाए। ठीक है, टोफी थोड़ी ना खानी है। अच्छा, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड नाइट।